तो दोस्तों अगर आप भी जो है अपने YouTube पे जो है यहाँ पे VR मोड को यूज़ करना चाहते हैं बट अनफॉर्चुनेटली आप अपने डिवाइस में उस फीचर को जो है यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है बताने वाला हूँ अगर आपको यहाँ पे VR मोड आपके डिवाइस में वर्क नहीं कर रहा है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है डिस्कस करने वाला हूँ यूट्यूब VR मोड को लेकर। अगर आप यहाँ पे कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते ही मिल जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप यहां पे अपने डिवाइस में जो है यूट्यूब को यूज करते हैं और उसमें यहां पे VR मोड को जो है यूज करना चाहते हैं और आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपको किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या होगा, अपने डिवाइस में आपको सेटिंग पैनल को ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग पैनल को ओपन करने के बाद आपको ऐप्स में चले जाना है, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन को सर्च भी कर सकते हैं एंड एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट में चले जाना है, ठीक है। यहां से पहला मेथड आप जो है ओपन करके कर सकते हैं। सेकेंडरी मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आपको जाना है वहां पे, ठीक है। यहां पे थ्री डॉट पे टैप करके आपको YouTube जो है सिंपली सर्च कर देना है। इस तरीके से YouTube सर्च करेंगे तो आपको YouTube मिल जाएगा। इन केस अगर आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है तो आपको मैं सेकंड मेथड जो है मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या होगा। जो सेकंड मेथड है आपको करना क्या होगा, यहाँ पे YouTube को जो है लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप इन्फो मिलता है, इसको सिंपली टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आप इस तरीके से एप्लीकेशन इन्फो पे चले आएंगे। तो आपको करना क्या होगा, स्टोरेज यूजेस को जो है ओपन करना है। सिंपली इस डेटा को जो यहाँ पे क्लियर कर लेना है। यहाँ पे नीचे जो डेटा है इसको भी सिंपली क्लियर करना है। जैसे आप डेटा क्लियर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज यहाँ पे जो है क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल ही यहाँ पे आप जीरो हो गया है। अब आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पे बैक लेना है। बैक लेने के बाद इसको सिंपल जो है फोर्स स्टॉप कर लेना है, ठीक है। फोर्स स्टॉप करने के बाद अब आपको करना क्या होगा, सिंपल आपको जो है यहाँ पे आ जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे आने के बाद सिंपली प्ले स्टोर को ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यूट्यूब, ठीक है। आपको सिंपल सर्च करना है यूट्यूब को और सिंपल इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे सिंपली टैप करना है। उसके बाद सिंपल इसको जो है अपडेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आया। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको अपडेट पे क्लिक कर लेना और अपने इस जो है यूट्यूब को अपडेट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये अपडेट होता है। वैसे स्पीड ठीक ठाक मिल रही है तो तब तक आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। एम करते हैं यहाँ पे 200 लाइक्स का। होपली अगर आपके फोन में ये ट्रिक वर्क करती है तो डेफिनेटली आप इस जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा भाई। देखो इसीलिए हम मेहनत भी करते हैं कि आप लोगों तक जो है सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली पहुंचती रहे और साथ ही साथ आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, ठीक है। तो फिलहाल हम YouTube को यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना है जब तक आपका YouTube यहाँ पे अपडेट होता है, ठीक है। हो जाता है, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ फंक्शन जो है फीचर वर्क नहीं करते, तो इसके लिए आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अपने YouTube को जो है अपडेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फिलहाल देख सकते हैं 78% ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और ऐसे ही सिचुएशन में आपको जल्दी से जल्दी अपने डिवाइस में जो है YouTube को यहाँ पे अपग्रेड कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसको पूरा यहाँ पे अपडेट होने वाला है और ऑलमोस्ट यहाँ पे डन ये हो चुका है, ठीक है। तो जब तक ये इंस्टॉल होगा आपको वेट कर लेना है, ठीक है। अब देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका है और अब हम आपको यहाँ पे जो VR मोड का प्रॉब्लम है वो आपको अब देखने को यहाँ पे जो है नहीं मिलेगा, जो कि सिचुएशन आपको देखने को मिल रही थी, ठीक है। और डिपेंड करता है डिवाइस की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी, अगर आपको उसके बाद भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपके डिवाइस में हो सकता है कि आपके डिवाइस जो है सुटेबिलिटी आपके डिवाइस को नहीं होगी ना। तो आप यहाँ पे सिंपली मैं आपको यहाँ पे कोई वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ वापस से, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको जो है एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। और तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमारी वीडियो ओपन हो गई है, तो यहाँ से आप क्वालिटी भी मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैं आपको VR मोड का यहाँ पे जो ये चीज़ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले मैं इसको थोड़ा क्वालिटी यहाँ पे अच्छी कर लेता हूँ इसकी, ठीक है। और यहाँ पे हम 720p कर लेते हैं। और इसका जो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इस सेटिंग पे टैप करना है। सेटिंग में टैप करने के बाद यहाँ पे लिखा है वॉच इन VR, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो इस पर कंटिन्यू पे आपको सिंपली टैप करना है। अब ये देख सकते हैं भाई काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे जो कंटिन्यू कर दिया हमने और यहाँ पे जो है VR मोड कुछ इस तरीके से प्ले होने वाला है, ठीक है। आप जो ये प्रॉब्लम थी VR मोड, ये देख सकते हैं बिल्कुल इजीली जो है आराम से प्ले हो रही है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको एडजस्ट करना है। और अगर आपके पास डिवाइस है VR मोड वाली तो डेफिनेटली वहां पे काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से जो भी प्रॉब्लम आ रही है VR मोड को लेकर, इस तरीके से जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।